Hello students, today we will start a new chapter of physics of 10th science, and the chapter is magnetic effect of current. और इसकी प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, इससे क्या क्या होता है. इंट्रोडक्शन में आपको मैं यही बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि देयर आर सम फोर्सेस इन नेचर विच एक्ट फ्रॉम डिस्टेंस. थोड़ा डिस्टेंस विदाउट, देखो आज तक आपने जो भी बोला पढ़ा आपने कि जो भी फोर्स एक्ट करती है, फोर्स एक्ट करती है तब जब आप किसी की बॉडी में कॉन्टेक्ट में होंगे. सपोज आपने इस चेयर को आगे पुश करना है, यू कैन नॉट पुश द चेयर अनटिल एंड अनलेस यू टच इट. ठीक है, आपको इसको टच करना है, उसके बाद आप उसको फोर्स लगाएंगे. इसी तरह से जब हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कहीं ना कहीं ये पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्टर के अंदर रन करती है तो उसमें एक तरह का फील्ड क्रिएट होता है, और उस फील्ड के अंदर जब किसी चीज़ का कोई चीज़ आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो इस तरह से हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे. लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इन विच द फोर्स इज एक्सपीरियंस फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस. ठीक है, विदाउट टच के बगैर ही जो हमें उसका फोर्स किया जाए. और इसका आप देख सकते हो मैग्नेट में आप देख सकते हो कि मैग्नेट जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, जब अपोजिट पोल्स अगर मैग्नेट के आपस में कॉन्टेक्ट करने के लिए लाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल आगे भगाएगा. आपको ये लगेगा कि मैग्नेट के नज़दीक अभी टच ही नहीं होता है, लेकिन उसको भगाएगा आगे. तो या तो मैग्नेट अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो उसको खींच के अपने पास ले आएगा. इसका मतलब वो खींच के अपने पास क्यों लाता है, क्योंकि कुछ ऐसी फोर्स है जो डिस्टेंस से ही एक्ट कर रही होती है, और उसको उस फोर्स को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए जो मैग्नेटिज्म फोर्स है, ये दो तरीके से हमारे पास होती है. एक तो इलेक्ट्रिसिटी के चलने की वजह से भी हम मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होती है हमारे पास, और एक नेचुरल जो मैग्नेट है, लोडस्टोन जो है, ये जो है इससे जो है मैग्नेट जो है बनते हैं. दे आर फाउंड इन नेचर. लोडस्टोन इज अ टाइप ऑफ स्टोन फ्रॉम विच मैग्नेट जो है विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या मैग्नेट इससे बनाए जाते हैं, जहाँ से मैग्नेट निकाला जाता है उसको लोडस्टोन बोलते हैं. और आप देखोगे कि इसमें नेचुरल टेंडेंसी है डिस्टेंस से फोर्स जो है एक्ट कर रही है इसमें. अब देखिए जब ये हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये फोर्स आती कहाँ से है, ठीक है, अगर ये फोर्स है इसके फायदे क्या है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, और ये फोर्स जो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है ये कहाँ का हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है. ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे आप अपने टेंथ की साइंस में ही, सपोज हमने टेंथ की साइंस पढ़ रहे हैं, इफ़ यू स्टडी एनी टॉपिक ऑफ द साइंस, और आप देखोगे कि इट मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन विद योर डे टू डे लाइफ. आपकी लाइफ के साथ इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा. तो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जैसे आपको मैं बताऊँगा कि मैग्नेटिज्म की वजह से देखिए जैसे मोटर वगैरह जो है ये घूमते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट जो है वो मैग्नेटिज्म की वजह से ही ये घूमता है. आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक जो एनर्जी है समझो, लेकिन वो एनर्जी जो है वहाँ पे क्या चीज़ करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो है टर्बाइन जो है आर्मेचर जो है की वजह से वो रोटेट होता है, और रोटेशन जो है वो मोटर में दिखती है आपको. तो उस रोटेशन की वजह से मोटर जैसे आपके घर में यूज़ होता है, जिसकी वजह से मोटर जैसे फैन में भी यूज़ है, आपका पानी जो है टैंकी से ऊपर ले जाता है, इस तरह से जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, आप घूमने वाली जो भी आप बिजली से घूमने वाली चीज़ें देखोगे वहाँ पर मोटर का कंसेप्ट है, और मोटर का कंसेप्ट जो है मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है. इस तरह से आप देखोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वो जनरेटर भी मैग्नेटिज्म की वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है. वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से ही जो आगे करंट जो है वो बनती है, तो इसकी वजह से हम बिजली पैदा कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखोगे कि आप
जो है अगर आपके पास मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेशन में है, और ये जो रिलेशन में है तो समझो आपके डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का तो हर जगह यूज है। अभी देखिए यहाँ हम जो है पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बल्ब जग रहे हैं, ये कैमरा में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यूज होती है। सो देयर आर सो मैनी यूसेज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन अवर डे टू डे लाइफ। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने बताया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी चीज में लाओगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कि भाई मैग्नेटिज्म तो इसमें आया लेकिन किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है क्रिश्चियन जो है हैंस ऑरेस्टेड, ठीक है, तो हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने इस कंसेप्ट को सबसे पहले स्टडी किया है। इसमें यह बताया है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिलेशन है, और सबसे पहले इसने बताया था 1820 के आसपास जो है 1820 में इसने जो है ये कंसेप्ट दिया था। इसने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए ऑरेस्टेड ने किया क्या कि ऑरेस्टेड ने देखा कि उसके पास एक मैग्नेटिक वॉच होती थी, ठीक है, तो मैग्नेटिक वॉच को जब आता था वो तो वहाँ पे क्या करता था कि वॉल के साथ लटकाया करता था, तो वहाँ पे वायर होते थे, बिजली वहाँ से गुजर रही होती थी, तो जब वो बैठ के देखता था तो पार दिखता था कि जब उस बिजली की ऑन करता था तो लाइट के चलने की वजह से वो उसकी जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की वो डिफ्लेक्ट करते थे। तो उसको ये लगा कि जब लाइट चले जाती वो झुक हो जाते थे, तो उसको ये लगा कि लाइट के चलने की वजह से मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि लाइट के चलने की वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, हालांकि लाइट और मैग्नेटिक कंपास कोई कॉन्टैक्ट में नहीं थे। तो उसको ये लगा कि कोई ना कोई फोर्स बिजली चलते हुए क्रिएट कर रही है, और उस फोर्स की वजह से ये मेरा जो मैग्नेटिक कंपास है इसको प्रॉब्लम हो रही है या इसके ये थोड़ा सा एक्शन शो कर रही है। तो जब इसको थोड़ा बाद में और ज़्यादा डीपली स्टडी किया तो वहाँ पे सच में ये पाया गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये बोला गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो जो है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे मैं हैंस ऑरेस्टेड ने जो ये बताया, तो जब इसका एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंट आया तो एक्सपेरिमेंट ने ये इसके एक्सपेरिमेंट हैंस ऑरेस्टेड और इसको बोलते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में इसने ये बताया कि हम बोलते हैं कि द करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field, ठीक है, and the direction of magnetic field depends upon the direction of current, ये बोला उसने। कैसे ये जो है शो किया, सपोज इसने एक कंडक्टर जो है लगाया और इसको बैटरी लगाई और बैटरी के साथ इसको यहाँ पे कंडक्टर को लगा दिया, ठीक है, सपोज दिस इज कंडक्टर, ठीक है, हम इसको बोलेंगे कंडक्टर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये जिससे करंट चलेगी यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में इसको करंट चले तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा इसने नीचे, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास रखा और उसने देखा कि जब हम इसको इस तरीके से जो हम करंट जो पास होगी, इसने एक रूल दिया स्नो रूल, ठीक, स्नो रूल में क्या बोलते हैं कि दिस रूल सजेस्ट दैट व्हेन करंट इन ए कंडक्टर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल नीडल देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड towards the west and vice. ये रूल इसने बताया. स्नो रूल में बताया कि जब भी सपोज अगर यहां पे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. अगर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में जो है करंट जा रही है, देखो यहाँ से करंट कंडक्टर में यहाँ से जा रही है, तो इन्होंने बोला कि जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो कहाँ को जाएगा, इधर को डिफ्लेक्ट होकर ये इधर को आएगा. ठीक है, समझो ये इस तरह से है, ये इस तरह होगा. ठीक है, इस तरह मतलब ये नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ जाएगा और साउथ है वो ईस्ट की तरफ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इस तरह से द डायरेक्शन ऑफ द जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ. तो स्नो रूल में ये लिखना है साउथ नॉर्थ और वेस्ट, याद रखना है कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ में जाए तो नॉर्थ को पार्ट ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट. ठीक है, और अगर उल्टा किया जाए, अगर इसमें सेम अगर हम ये कर दें, बैटरी को उल्टा कर दें, यहाँ की साइड नेगेटिव और यहाँ की साइड पॉजिटिव, यहाँ की साइड नेगेटिव और यहाँ की साइड पॉजिटिव लगाया जाए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पास कंडक्टर होगा. सपोज ये देखो इस तरह से ये की आ जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अब करंट यहाँ से आएगी. ठीक है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको नीडल का बताऊँगा ये. ठीक है, ये नीडल, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो अब नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हो रही है, तो क्या होगा अगर ये उल्टा हो जाएगा, तो समझो कि नॉर्थ जो है वेस्ट की तरफ हो रहा था, अब नॉर्थ कहाँ हो जाएगा, ये ईस्ट की तरफ हो जाएगा और साउथ जो है वेस्ट की तरफ हो जाएगा. ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बताया. ठीक है, फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो जो है डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरफ बनती है. ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा था तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्रिएट कर रहा था उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी जब करंट की डायरेक्शन चेंज किया जाता था. तो इसीलिए यहाँ पे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट इसने ये बता दिया कि देखो सपोज ये तो इसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, तो ये क्या इसमें ये क्या करेगा. ठीक है, इसके बारे में मैं जब आपको थोड़ा डीप बताऊंगा तो मैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये दो चीजें आती हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या चीज है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज द फोर्स अराउंड ए मैग्नेट which is experienced, it is a force around the magnet which is experienced जो हम which is experienced by us भी हम बोलते हैं. ठीक है, अस या एनी जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी वो जो एक्सपीरियंस करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो जैसे ये देखिए सपोज ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट बोलेंगे.
इसका अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ओके, सो दिस इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या होता है कि इस मैग्नेट में यहाँ से ये जो देखे ये एरिया है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, इसके आसपास। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक एरिया है मैग्नेट के बाहर, लेकिन याद रखना द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग नियर द कंडक्टर एंड इट इज वीक एज वी गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से दूर भागेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्यों होती है, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ से आते हैं, इसका मैं आपको सिंपल सा जो है आंसर बताता हूँ। जब आपको कोई पूछेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से, देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपने पढ़ा था, एटम जो है कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम के बाहर घूम रहे होते हैं, और इनका मोशन जो कंटिन्यूस होता है, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। और आप देखोगे कि कभी भी अगर देखो हम क्या करते हैं, जब एटम का स्ट्रक्चर बनाना होगा हम एक लाइन ये ड्रा कर देते हैं, ये शेल है, दूसरा लाइन ड्रा कर देते हैं, एक्चुअल में एटम के न्यूक्लियस के बाहर कोई लाइन ऐसी होती नहीं, ठीक है, देयर इज नो लाइन। लेकिन लाइन क्या है, इट इज द पाथ, इट इज एक्चुअली द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये रास्ता है। और इस रास्ते को हम डॉटेड लाइन्स की तरह भी हम दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, यहाँ से चल के ये जो है वो मूवमेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा कुछ बीच में अगर ऐसा करेंगे कि हम इस न्यूक्लियस को टच करना चाहते हैं, इमेजिन करिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ स्ट्राइक होंगे, ठीक है। ये जब स्ट्राइक होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको फोर्स कर देंगे, ठीक है, दे विल क्रिएट ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एटम, ठीक है। जो ये मैग्नेटिक बोलते हैं, हर एक एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड व्हाई दैट मैग्नेटिक फील्ड, आपने बोला द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एटम इज क्रिएटेड ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और आप देखोगे कि यहाँ पे जब जो ये एटम की बात आ गई, तो एटम से मिलकर क्या बनता है, मटेरियल बनता है, जो भी हम मटेरियल होगा, चाहे मटेरियल कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, वट एवर मटेरियल अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम, बिकॉज एटम इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, जो सिंपलेस्ट पार्ट जो है, सिंपलेस्ट अनब्रोकेबल पार्ट विच कैन नॉट फर्दर बी डिसइंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एटम अगर छोटा सा है तो एटम ही मिलकर हमारा मटेरियल बनता है, तो एटम से ही क्या बना हुआ, मैग्नेट भी बना हुआ, एटम से ही आयरन भी बना हुआ, एटम से ही प्लास्टिक भी बना हुआ, सब चीज़ें एटम से बनी होगी। तो फिर कुछ एटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल बताता है और कुछ नॉन मैग्नेटिक बताता है। द मटेरियल विच हैज मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक एंड द मटेरियल विच हैज नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस। सो इन नेचर वी हैव टू काइंड्स ऑफ सबस्टांसेस, वन इज मैग्नेटिक सबस्टांस एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। तो यहाँ पे हम करेंगे मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस में क्या है। सपोज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, दीज आर टू सबस्टांस, दिस इज नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस एंड दिस इज मैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक सबस्टांस। तो मैग्नेटिक सबस्टांस और नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस की कंपोजिशन की जब हम बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि द एटम्स ऑफ द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर नॉट अरेंज इन ए प्रॉपर वे सो दैट द स्पिन्स ऑफ द एटम्स गो ऑन एडिंग, ठीक है, एंड इट विल गिव ए नेट इफेक्ट या ओवरऑल इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, सपोज इसके अंदर एटम है, इनकी स्पिन कोई क्लॉकवाइज है, कोई एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो सभी एटम की स्पिन जो है वो क्या है, एक जैसी नहीं है, नॉन मैग्नेटिक चीज सबस्टांस में। तो क्या होता है कि एक एटम अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है,
हर एक एटम अगर अपने अपने वे से घूमेगा तो एक एटम दूसरे एटम की स्पिन को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, एंड एज ए रिजल्ट देर इज नो नेट अफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई द इंडिविजुअल एटम्स ऑन दैट मटीरियल, बिकॉज एटम जो बहुत छोटी चीज है और इसकी फील्ड बहुत ही कम होगी और वो फील्ड भी जो कैंसल आउट हो जाएगी किससे, अपने एटम से, तो इससे कोई नेट रिजल्ट नहीं होगा. बट देयर आर सम सबस्टेंसेस इन नेचर आर वी कैन प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ सबस्टेंसेस इन लेबोरेटरी ऑल्सो दैट ऑल द एटम्स ऑफ द मटीरियल हैव सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट सो दैट द स्पिन ऑफ वन एटम, एक एटम अगर ऐसे स्पिन कर रहा है दूसरा भी ऐसे कर रहा है, द स्पिन ऑफ वन एटम गो ऑन एडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ अदर एटम्स, और इस तरह से जो स्पिन ऐड होती जाएगी तो सभी एटम्स की जो स्पिन ऐड हो जाएगी तो एक तरह का क्या होगा, एक एटम, दो एटम, दस एटम, हजार, लाख, करोड़ एटम जो है जब एक ही स्पिन के हिसाब से घूमेंगे तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाएगा और इतना मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा कि दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन आउटसाइड द मैग्नेट. ठीक है, और इसी तरह से हम इनको बोलते हैं मैग्नेटिक, ये नॉर्थ अगर पोल होगा ये साउथ होगा तो हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो सिंपल मैं आपको यही बताऊंगा कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन दैट मटीरियल. ओके, एंड व्हाट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द स्पिन ऑफ इट्स इंडिविजुअल एटम्स व्हिच हैज एन इफेक्ट इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सराउंडिंग एरिया में भी उसका एक्सपीरियंस हो जाए एंड हेंस द जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडेंस होके जाएं गुजरेंगी तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड होगी. और मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं एंड री एंटर द साउथ पोल. ठीक है, सो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दे री एंटर द साउथ पोल. सो हम सिंपली बोल सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेटिज्म द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेटिज्म मैग्नेट सबस्टांस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, याद रखिए बाहर अगर देखा जाए मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए साउथ से नॉर्थ की ओर होती है. तो एक चीज ये बता दूंगा, दूसरा ये बताऊंगा कि दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, ज्यादा से ज्यादा सबसे जो पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो बिल्कुल पास से गुजरेगी. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर करके जो है दूसरे साउथ पोल में एंटर होगी. ये नहीं है कि वो कोई दूर से घूम के आएगी, कोई नजदीक से आ जाएगी, कोई किसी को काट के आ जाएगी, नहीं. ऑल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग. कभी भी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये भी चीज़ है. और ये कॉन्टैक्ट करती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ से री एंटर हो जाती है. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. अब जहाँ जहाँ तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखेंगी वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है. और याद रखना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जैसे एज वी गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गो ऑन डिक्रीजिंग. जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे दूर लेते जाओगे उसका स्ट्रेंथ जो है कम होता जाएगा. सो मैं आपको आज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड कराया, व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कराया, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कराया, मैंने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड बनती कहाँ से, मैग्नेटिज्म का काज क्या है. ठीक है, स्नो रूल बताया. ठीक है, और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया कि ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से
यहाँ पे ये पता लगा कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन है, और बाद में ये वो निकाला गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो हमने जब इसमें देखा कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर आपको ये बताया जाए कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक, और इसमें आप देखोगे कि एक चीज मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टीज क्या है आपने लिखना है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, एक चीज ये होगी, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड री एंटर साउथ पोल। ठीक, थर्ड जो है इसमें आ जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। बोलोगे इनसाइड ए मैग्नेट, मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक, या फिर तीसरा देखोगे, पांचवा लोगे, दे आर कंटिन्यूअस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस होती हैं और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिर मैं बताऊंगा, दे आर कंडेंस्ड एट द पोल्स एंड स्कैटर्ड एट द मिडल रीजन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के मिडल रीजन में ये स्कैटर होते, पोल पे क्या होती है कंडेंस, वेयर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंडेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये भी लिखना, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर वेयर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कंडेंस्ड। ठीक है, इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये कंटिन्यूअस होती हैं, ये कभी ब्रेक नहीं होती हैं। ये जो अब देखिए आपको ये मैं बताता हूँ कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ बता दूँ, छोटा सा है कि इसमें लिखना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है। आपने देखना है कि मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को प्रोड्यूस करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और द सबस्टांस विच आर अट्रैक्टेड बाई ये मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सबस्टांस and the substance which are not attracted by a magnet are the non-magnetic substances. So substance is magnetic ho sakte hain, jaise iron is a magnetic substance, so plastic is non-magnetic substance. Isme dekhenge ki magnetic ye bhi hoti hai ki like pole repel each other but unlike pole poles attract each other. Yeah, this is called, why this
क्यों होता है? लाइफ पोल का मतलब हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट आया, ये साउथ है और ये नॉर्थ। एक चीज फिर बताऊंगा मैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, इसका साउथ है और ये नॉर्थ, अगर हम इसको डिसइंटीग्रेट करें, अगर ब्रेक करें, अगर इसको तोड़ दें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये साउथ वाला हिस्सा आ गया और ये नॉर्थ वाला हिस्सा आ गया, ये कभी भी नहीं होगा। इधर साउथ डेवलप हो जाएगा और इधर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो द पोल, द टू पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड नो मैटर हाउ लॉन्ग वी गो ऑन ब्रेकिंग द मैग्नेट। हम मैग्नेट को कितना छोटे छोटे टुकड़े क्यों ना कर दें, लेकिन हम कभी भी उसके दो पोल्स को अलग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर ऑलवेज देयर, ये पोल होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ पोल है, तो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट पोल्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये देखना है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, उनको कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड दे एंटर द साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ से इमर्ज होंगी, कहाँ आएंगी, साउथ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब नॉर्थ को यहाँ से यहाँ आना पड़े, तो अगर पास में साउथ आ जाता है तो इस नॉर्थ की इसी साउथ में जो है मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस चला जाती हैं, और जाने की वजह से क्या होता है, इसको अपनी ओर जब ये यहाँ के लिए रश करती है तो ये ऑटोमेटिकली इसको पुश जो है पुल करती है, और पुल करने के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद फिर ये एक नॉर्थ और ये एक साउथ हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस चलती हैं। तो वाई अपोजिट पोल से अट्रैक्ट, बिकॉज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल री एंटर द साउथ पोल ऑफ द नियर बाई मैग्नेट, ठीक है, एंड देयर बाई गिव एन ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पूरा इफेक्ट देंगे, ठीक है। अब अपोजिट पोल देखिए, अपोजिट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ सामने ले आया, तो ये क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे, क्या हो गया इनमें? देखिए यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से भी निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो क्या होगा जब ये फोर्सेज निकलेंगी, तो ये क्या देगा, दिक्कत देगा आपस में। और आप देखना, मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ यू सी कि अगर आप कोई मैग्नेट लाते हो, उसका नॉर्थ और नॉर्थ पोल अगर आप आपस में लाओगे, ऐसे जोड़ोगे, जब जोड़ने वाले होंगे तो ये ऐसे खिस जाएगा या इधर आ जाएगा, क्योंकि इस नॉर्थ पोल से जो मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स है ये उधर के लिए इनको होता है, ये इधर के लिए, क्योंकि इधर इनको पता है कि इधर दूसरे साउथ पोल में हमें एंटर होना है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेज दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। और इन द सेम वे अगर हमारे पास यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से आ रही होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, नॉर्थ पोल से आ रही होगी, जब आ रही होगी तो इन्होंने कहाँ जाना है, दोनों ने साउथ पोल में जाना है। जब ये साउथ पोल में जा रही होती है, देखिए यहाँ पे जब ये बेंड कर रही होंगी, यहाँ से ये भी बेंड कर रही होगी, तो इन दोनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की फिर टक्कर बजेगी, दे विल कोलाइड ईच अदर, एंड अल्टीमेटली जब ये अपोजिट तरीके से आएंगी तो वो इसको इधर के लिए धक्का लगाएगी, ये इधर के लिए धक्का लगाए, इसलिए मैग्नेट जो है वो पुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साउथ और साउथ पोल अटैक कर जाए, नॉर्थ और नॉर्थ पोल अटैक कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए लाइट पोल्स अट्रैक्ट ईदर एंड अनलाइट पोल्स रिपेल ईदर, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर माय टुडेज लेक्चर, थैंक यू।